तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई यहाँ तो धूल ही धूल हो गया है, पता नहीं इसको किधर जाना है। भाई डस्ट ही डस्ट हो गया है। अरे भाई यहाँ क्या हो क्या रहा? अच्छा सवाई चल रहा है। आज का वीडियो हमारा होने वाला है कार के स्टीयरिंग के अलाइनमेंट को लेकर। जैसे कि भाइयों का कमेंट था कि कार के स्टीयरिंग के बारे में बता देना भाई, कि क्या इसका स्टीयरिंग का मूवमेंट कैसा है या नहीं है। और भाई यहाँ पे कुछ खतरनाक हो रहा है क्या? पता ही नहीं चल रहा, कुछ तो खतरनाक हो रहा है। जो भी हो रहा कुछ तो हो रहा है अभी। तो जैसे कि आपको कहे थे भाई कि कार के अलाइनमेंट पे अपना वीडियो आने वाला है, अभी तो भाई रोड बना रहा है, कुछ तो कर रहा है। चलते हैं और अपना वीडियो का मेन टॉपिक पे आते हैं और उस पर बात करते हैं। कुछ भाई का कमेंट था कि आपका कार का स्टीयरिंग थोड़ा लेफ्ट राइट भागता है। तो भाई आप अगर वैसे जज करते हो तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपके कार के टायर में सेम, मतलब दोनों में हवा का जो भी दबाव जो भी होता प्रेशर सेम हो। क्योंकि अगर ऊपर नीचे कम ज़्यादा रहेगा तो वो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा ही, थोड़ा दाएं बाएं भागेगा। हाँ छोड़ दिया हूँ और आप देख सकते हो सीधा जा रही है। अब आप कहोगे कि ये थोड़ा दाएं बाएं भाग रही है, भाई ये सही सीधा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो भाई अगर आप गड्ढा में भी चला रहे हो ना, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा ही होगा। अब आप देखो जैसे मैं मोड़ा, बहुत से भाई का ये भी कमेंट रहता है कि भाई आप स्टीयरिंग छोड़ते हो तो आपका स्टीयरिंग सीधा मतलब खुद से अपनी जगह पे नहीं आता है। तो वो वीडियो, ये वीडियो आपके लिए, ये चीज़ आप देख सकते हो और ये चीज़ होप आपका ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। अलाइनमेंट सही रहता है तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एकदम सीधा ही चलेगा, दाएं बाएं नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सरफेस पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो मैं अभी 30-25 की स्पीड पे चल रहा हूँ और स्पीड आप देख सकते हो। और अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेकर आ गया तो यहाँ पे थोड़ा ये करते हैं सीधे। और ये भैया को किधर जाना है पता नहीं। और यहाँ पे गड्ढा बहुत है भाई, इस गड्ढे से प्यार से निकलते हैं पहले। बाकी अभी आप देख सकते हो मैं हाथ छोड़ के ही चला रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, अगर थोड़ा सा भी अगर स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा कि आपका स्टीयरिंग दाएं बाएं भाग रहा है, सही चल रहा है। बट कहीं कहीं पे देखो होता क्या, थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है, देख सकते हो। मैं छोड़े रहूँगा तो ये जाके टच हो जाएगा। तो मे भी मेरे टायर का हवा दोनों इक्वल ना हो, इस चक्कर में भी हो रहा हो। और कुछ परसेंट लेफ्ट राइट हो सकता है टायर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर आप देख सकते हो स्टीयरिंग थोड़ा सा मेरा ऐसे टिल्ट हो रहा है, जबकि जब चेक करवाए थे तो भाई ऐसा कोई इशू नहीं था। तो ये सब पंगा भी होता है, ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे एसी को थोड़ा बंद करते हैं भाई, ये देखो आप। अब मैं थोड़ा सा भगाने की कोशिश करता हूँ, मैं देखो मैं बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर इधर जा रहा है थोड़ा सा। ये चीज़ तो है भाई, थोड़ा अलाइनमेंट मेरा लेफ्ट की ओर जा रहा है और मे बी अलाइनमेंट का इशू है या टायर प्रेशर का इशू है। ये भी एक बार ट्राई कर लिया जाएगा हवा भरवा कर, ऐसे नहीं। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मक्खन माफिक रोड पे आ गए हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे छोड़े हुए हाथ आप देख सकते हो। अब यहाँ इस रोड पे देखो ये थोड़ा राइट की ओर जा रहा है, तो ये नहीं कह सकते ना कि भाई अब राइट का अलाइनमेंट का इशू है, समझ रहे हो आप। वैसे रास्ते पे थे तो थोड़ा सा लेफ्ट की ओर जा रहा था और अभी आप देख सकते हो थोड़ा राइट की ओर जा रहा है। तो रास्ता भी आप देख सकते हो प्रॉपर फ्लैट सरफेस कहीं नहीं होता है। अब यहाँ पे देख लो आप, अब यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये टच हो जाता है यार। वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर है, ध्यान देना होगा अपने को। तो आप समझ सकते हो कि कैसे कार का जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा आप समझ सकते हो ये है थोड़ा सा लेफ्ट राइट। अभी सरफेस देखो थोड़ा सा स्लोप है यहाँ पे, तो इसलिए कार थोड़ा सा कभी लेफ्ट की ओर तो कभी राइट की ओर भाग रहा है, मगर भाग रहा है। तो आप कह सकते हो भाई थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू है। एक बार और ट्राई करते हैं, हम लोग इसी रास्ते पे चलते हैं। अब ऐसे रास्ते में फिर से आ चुके हैं हम लोग और देखो आप यहाँ पे बस अपना गियर शिफ्टिंग हो रहा है। और अभी देख लो आप एकदम सीधे सीधे चाल में चल रहा है गाड़ी, मैं अभी छोड़े हुए हूँ।
ठीक है, अभी पर देख लेते कॉल किसका था, पता ही नहीं किसका कॉल था। बाकी अभी अपन लोग वीडियो बना रहे तो पहले इस पर फोकस करते हैं। और फ़ोन से याद आया, हमारे एक भाई का कमेंट था कि भाई आप आईफोन शो ऑफ कर रहे हो। मतलब भाई किस जमाने में जी रहे हो यार, ऐसा क्या मतलब आईफोन रख लेने के बाद शो ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे, ये सब मेंटालिटी से निकल जाओ। ये सब में कुछ नहीं पढ़ाया कि अगर आईफोन शो ऑफ कर रहे भाई क्या मतलब, ऐसा ध्यान भी नहीं आया मेरे कि ऐसा भी हो सकता है यार। मतलब फ़ोन यार ऊपर से गोप्रो मेरा कनेक्टेड रहता है इसलिए एंगल हमको देखना पड़ता है भाई, इसलिए हम ऐसे रखे हुए हैं। शो ऑफ क्या मतलब भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। आईफोन शो ऑफ, वाह नाइस। तो कार का लैंग्वेज हम आपको अपना अच्छे से विस्तार से दिखा दिए हैं, और सांड है कि भाई क्या पता नहीं पर है बहुत खतरनाक। कभी सरफेस पे डिपेंड कर रहा है ये तो समझ गए हैं। ये सरफेस पे ज़्यादा लेफ्ट राइट जा रहा है, ये फिक्स नहीं है कि भाई इधर ही जा रहा है या उधर जा रहा है। लेफ्ट राइट अगर प्लेन सरफेस पे हो या फिर ऐसे गड्ढे वाले रास्ते में अगर एक ही साइड ज़्यादा भागता तो हम लोग कह सकते थे कि लेफ्ट का अलाइनमेंट थोड़ा सा मेरा टायर इधर भागा हुआ है। बट अगर फ्लैट रास्ते पे चल रहे तो भाई कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, तो वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को समझना होगा, टायर प्रेशर आप हमेशा चेक करो। और अगले वीडियो में परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, ऐसे लॉन्ग ट्रिप के बाद में गाड़ी में क्या ऐसा मतलब जो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चेंजेस है या फिर ऐसा। और अलाइनमेंट का बात रहा तो आपने अच्छा से वीडियो को भाई हम अपने साइड से अलाइनमेंट, अपने कार का अलाइनमेंट दिखाने में हम कोई कसर हो सकता नहीं छोड़े हो। ऑफ रोड टाइप के गड्ढे वाले रास्ते में मैंने आपको दिखा दिया कार का कैसा अलाइनमेंट है, फ्लैट रोड पर भी दिखा दिया, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि वीडियोज़ आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।